क्या आपको एक बात पता है, मोदी जी हर सीरियस मैटर पे काम कर रहे हैं और उनके नेता भी उन पे लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता है, मोदी जी का 400 नेता यूं ही गायब हो गए हैं और उनको जिस तरीके से कांग्रेस ने शामिल की, वो मोदी और बीजेपी की पूरी तरीके से धज्जियां ही उड़ा कर रख दी है। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, जो ज्यादा तैरता है वही डूबता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोदी जी बहुत ज्यादा इस वक्त तैर रहे हैं और उन्हीं को चलते उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक में हारे, उसी को लेकर अब दूसरे राज्य में भी हारने वाले हैं। पता था कि जिस तरीके से मोदी जी का 400 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ता सहित, बता दें कि जिस तरीके से कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हुए, वो भी 400, उन्होंने कहा है क्या, आपको बता दूं, उन्होंने कहा है ये कि हमें तनिक भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था बीजेपी से। जिस तरीके से हमने बीजेपी पे रह के कार्य किया, उस वक्त हमें कोई भी समान वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें बीजेपी से कुछ वैल्यू ना मिला, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ कांग्रेस हमें करके देगी और कांग्रेस के लिए हम जी जान लगाकर अब कार्य करेंगे। तो यूं ही 400 नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे वो कह रही है, कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं। जिस तरीके से बताया गया कि वो जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बीजेपी के नेता कहे हैं कि बीजेपी के नेता को सम्मान दिया जाए, जो पुराने नेता हैं उनको सम्मान दिया जाए, नहीं तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि 400 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी के घेराव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना मोर्चा निकाल रखा है और पूरी तरीके से घेराव कर दिया है। यहाँ तक कि शराब घोटाले में भी आम आदमी पार्टी ने घेराव कर दिया है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के आवास पर। तो देखा जा रहा है तो सारे जगह हंगामा का माहौल है और अभी भी बीजेपी सुधर रही है तो उनको सुधरने का मौका दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, नहीं तो कह रही है कि जिस तरीके से कर्नाटक में हमने हराया है उसी तरीके से सारे जगह पे आपको हराऊंगा। तो देखने वाली बात है कि बीजेपी जिस तरीके से बुरी हार हारी है कर्नाटक में, तो अब दूसरी राज्य में भी उनको करारी हार का सामना ना करना पड़े, ऐसा कांग्रेस कह रही है। तो आने वाले वक्त में ही बताएगा कि आखिर में बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कितने नेता बच रहे हैं। बीजेपी का अकड़ है, बीजेपी के नेताओं का अकड़ है, वो किसी नीचे स्तर पे जो नेता हैं उनको सम्मान नहीं देते, उनका इज्जत नहीं करते, इसलिए वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और वो खुद ही बता रहे हैं, हमने बीजेपी में रहकर बहुत बड़ा कार्य किया है लेकिन हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, हमारे इज्जत सम्मान नहीं दिया जा रहा था बीजेपी से, इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो ऐसे ही करके नेता शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में और कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। तो इससे आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और भी नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बीजेपी के, तो आगे आगे देखिए कि होता है क्या। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।